हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना संस्कार। इसमें सामने अपने हैं होंडा एलिवेट और ये है उसका सेकंड बेस वेरिएंट। इस समय सबसे ज़्यादा डिमांड की बात की जाए या फिर सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट की बात की जाए तो फिर आपको एलिवेट में यही मिलेगा। ये है इसका वी वेरिएंट। अब वैल्यू फॉर मनी की बात कर रहे हैं तो बात आएगी कीमत की। कीमत है इसकी 12,11,000 रुपये एक्स शोरूम। और सिर्फ ऐसे ही आपसे 12,11,000 एक्स शोरूम नहीं लिए जा रहे, वो सारी चीज़ें आपको इसमें दी जा रही हैं जो आज आप 2023 की किसी भी एसयूवी में चाहते हैं। अब मैं हूँ इस समय प्लैनेट होंडा हल्द्वानी पे। यहाँ पर ऑन रोड कीमत लगभग इसकी पड़ रही है 14,11,000 रुपये। ये तो हो गई कीमत की बात। अब बात करते हैं ओवरऑल इसके लुक की और साथ में डायमेंशन की। भाई सबसे पहली चीज़ जो इसका बॉक्सी शेप इसको दिए ना, और साथ में इसके हुड में जो ये पार्ट उठाए गए हैं, ये आपको अंदर ड्राइवर सीट पर बैठते ही बताते हैं कि आप किसी एसयूवी में बैठे हो। अंदर से आपको कॉर्नर ही दिखता है। जनरली हम देखते थे लोगों को जजमेंट में बहुत इशू होता है, या फिर कई लोग कहते हैं ना कि यार हम गाड़ी में तो बैठे हैं बड़ी में लेकिन हमें फील नहीं हो रहा, लेकिन इसमें आपको पूरा पूरा फील करवाता है बोनट का ये पार्ट। आ जाते हैं इसके हेडलैम्प की तरफ। तो चाहे बेस लो, चाहे सेकेंड बेस लो या फिर ले लो टॉप मॉडल, सब में आपको यही बिल्कुल नए नवेले यही हेडलैम्प मिलेंगे। ये है लो बीम के लिए एलईडी और साथ में ये भी जल जाता है हाई बीम में, और साथ में ब्लिंकर आप देख रहे हो एलईडी है, कंप्लीट एलईडी ही सेटअप इसमें मिल रहा है आपको। यही अपने डीआरएल की तरह काम करते हैं और यही आपको मिल जाते हैं इस तरह से ब्लिंकर की तरह। बाकी बड़ा सा बीच में होंडा का लोगो और साथ में क्रोम की पट्टी सपोर्ट कर रही है ओवरऑल लुक को। नीचे देखते हैं तो मिल जाता है आपको इस तरह से स्किड प्लेट और ओवरऑल ये है लुक। अगर बात करोगे फॉग लैंप की तो इस वेरिएंट में आपको नहीं मिलते, लेकिन आप चाहो तो शोरूम से ही इसमें इंस्टॉल करवा सकते हो। अगर फ्रंट लुक में देखते हैं तो सिर्फ एक ही चीज़ है जो फॉग लैंप है, अगर ये लग जाए तो आपको कोई नहीं कह पाएगा कि भाई ये नीचे का वेरिएंट है या टॉप मॉडल है। इस तरह से अगर बात करें इसकी विड्थ की, वो मिल जाती है आपको लगभग 1730 mm की। अगर बात की जाए इसकी चौड़ाई की तो वो मिल जाती है आपको लगभग 1790 mm की। अब बात करते हैं इसकी साइड प्रोफाइल की, साइड से गाड़ी कैसी लगती है। तो भाई ये है साइड प्रोफाइल, पूरी की पूरी आपको वही फील देगी जो भी आप कोई भी मिडसाइज एसयूवी में चाहते हो। क्लैडिंग पूरा 360 डिग्री में इसके नाचती है, और साथ में देखते हो व्हील भाई 215 सेक्शन के ही इसमें दे रखा है, 215 चौड़ाई है, जिसकी वजह से जब गाड़ी पीछे से देखते हो ना आप तो आपको ऐसा नहीं लगता कि भाई बच्चे के जूते पहना दिए हैं गाड़ी को। 215 60R16 16 इंच के हैं, और साथ में देखते हैं व्हील कवर इसमें मिल जा रहा है। बहुत से लोग हैं जिन्हें थोड़ा सा डिसेंट लुक चाहिए, वो इसी व्हील कवर में काम चलाते हैं, लेकिन आप इसी में ही डायरेक्टली फिट करवा सकते हो अलॉय व्हील आपकी चॉइस के। डिस्क ब्रेक आगे आपको मिल जाती है, पीछे अपना ड्रम ब्रेक। और बात करें पूरी लंबाई की तो वही 4300 mm, बिल्कुल 4312 mm इसमें आपको मिल जाती है पूरी की पूरी लेंथ। और मेन चीज जो इसको पूरे सेगमेंट में विनर बनाती है ना, वो है इसका प्रैक्टिकल ग्राउंड क्लियरेंस। ग्राउंड क्लियरेंस इसमें मिल रहा है आपको लगभग 220 mm का। भाई इतना बड़ा ग्राउंड क्लियरेंस आप ये समझ लो, इस चीज से अंदाजा लगाओ जो थार है महिंद्रा की थार प्रॉपर ऑफ रोड व्हीकल, उसमें आपको 226 mm का मिलता है और इसमें 220 mm का। अब इस चीज़ से आप इसकी कैपेबिलिटी का अंदाज़ा लगा सकते हो। रोड नहीं देखनी, गड्ढे नहीं देखने, बस इसको डाल दो एलिवेट पूरी तरह से निकल जाएगी। तो यह है साइड से, यहाँ देख रहे हो एक छोटा सा हैंडल में आपको तेल दिख रहा है, तो बिल्कुल ये आपको मिल जाता है यहाँ पर। रिक्वेस्ट सेंसर बटन, इसमें आपको पुश स्टार्ट वाला सिस्टम मिल रहा है। भाई चाबी बिल्कुल जेब में रखे रहो, बटन दबाओ, प्रीमियम गाड़ी ले रहे हो तो प्रीमियम फील भी आपको मिलेगा। ये आ गया अपना ओ आर वी एम में मिल जाता है इस तरह से ब्लिंकर। फोल्ड आप इन्हें हाथ से करोगे लेकिन एडजस्ट ये इलेक्ट्रिकली हो जाएंगे, ठीक। बी पिलर ब्लैक डॉट मिल रहे हैं, साथ में साइड में क्रोम की गार्निश भी आपको मिल जाती है। और एक और चीज़ साइड से क्या दिख रही है, ऊपर चमकता हुआ क्या शार्फिन एंटीना। तो ये हो गई पूरी की पूरी गाड़ी, बड़ी बड़ी आपको साइड स्कर्टिंग दे रखी है रब स्ट्रिप, और ओवरऑल मज़ेदार लग रही है। कहीं भी किसी भी एंगल से आपको ये ऐसा नहीं लगी कि भाई यहाँ मज़ा नहीं आया, मज़ा आपको हर जगह से मिलने वाला है। ये है कुछ रियर का लुक, क्या बात है। बहुत जल्दी खबर आने वाली है कि भाई बीच का जो पार्ट है करोलबाग वालों ने इन्वेंशन कर दिया है और इसमें भी लाइट लग रही है। हो सकता है भाई हो भी गया हो, पता नहीं है, लेकिन फिलहाल अगर आप स्टॉक गाड़ी में देखोगे तो आपको इस तरह से टेल लैम्प मिल जाएंगे। जैसे ही हेडलैम्प जलेगी, जैसे कि अभी जल रही है, तो इस तरह से ये ऑलवेज ऑन मोड में रहेंगे। और जब ब्रेक दबती है तो भाई ब्रेक दबते और प्यारी लगती है, क्यों ये सीधी एक पट्टी ना इस तरह से स्टॉप लैम्प में जलती है। बाकी इंडिकेटर ये हो गया, ये एलईडी है, ये एलईडी है, स्टॉप लैम्प ये हो गया, इंडिकेटर अपना हैलोजन बल्ब, और साथ में रिवर्स लैम्प यहाँ पर आ जाता है। नीचे आपको 1 2 3 4
चार पॉइंट मिल रहे हैं रिवर्स पार्किंग सेंसर, जैसे सिल्वर कलर की आ गई थी स्किड प्लेट वैसे ही रियर बम्पर में मिल जाती है। यहाँ पर हो गया अपना कैमरा, मैंने आपको शुरुआत में ही कहा था कि वो सारी चीज़ें ऐसे मिलती हैं जो आप किसी भी गाड़ी में एक्सपेक्ट करते हो। आई वी टेक जो जान है होंडा की इंजन की, वो आपको यहाँ पर बैजिंग मिल रही है। बाकी एलिवेट कोई भी आपको वेरिएंट की इसमें बैजिंग वगैरह नहीं मिलती। अगर बात करें शीशे पे तो वाइपर नहीं मिलता, लेकिन 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 आपको मिल जा रहा है यहाँ पर डिफॉगर। ऊपर हो गया हाइमर स्टॉप लैंप और वहाँ पर मैंने आपको पहले बता दिया इस तरह से मिल जाता शार्फिन एंटीना। तो ये है पूरा का पूरा पीछे का लुक, अच्छा लगता है, चौड़ाई फील होती है जब गाड़ी खड़ी होती है, ठीक। और अब यहाँ पर आ गया अपना क्या फ्यूल फिलर का, पेट्रोल ओनली ऑप्शन है। और अगर टैंक कैपेसिटी की बात करें आपको मिल जाती है 40 लीटर की, 40 लीटर्स की। तो इस तरह से हो जाती है बाहर बाहर से 360 डिग्री। दोबारा बता रहा हूँ, सबसे ज़्यादा डिमांड वाला और सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरियंट है कौन सा, वी एलिवेट वी है अपने पास। और कीमत है इसकी लगभग 12,11,000 रुपये एक शोरूम, और मैं हूँ इस समय प्लैनेट होंडा हल्द्वानी पे, यहाँ पर ये आपको पड़ रही है ऑन रोड 14,11,000 रुपये के आसपास। चलो अब बात आ जाती है इसके इंटीरियर की। इंटीरियर के लिए चाहिए अपन को चाबी, चाबी मिल रही है कुछ इस तरह से, वही टिपिकल होंडा की चाबी है, दोनों आपको रिमोट की मिल रही है, अच्छी चीज़ है। और दो बटन है, एक हो गया अपना लॉक और दूसरा हो गया अपना यहाँ पर अनलॉक। क्या बात है, फॉलो मी लैंप भी है, देखो वेलकम लैंप भी आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है, बढ़िया। चलो अब चलते हैं जरा अंदर की तरफ और इंटीरियर का करते हैं दर्शन कुछ। ये आप देखते हो होंडा के टॉप मॉडल में आपको जो इंटीरियर की थीम है, लेआउट है, वो ब्लैक के साथ एक ब्राउन कलर का मिलता है। लेकिन जब उससे नीचे के वेरिएंट्स में आते हैं तो आपको ब्लैक के साथ ये कुछ इस तरह से लाइट ग्रे कहो या भाई देखने में बिल्कुल न्यू कलर है, न्यू थीम है, वो आपको मिल जाती है। डुअल टोन इसमें भी, ऐसा नहीं है कि नीचे का वेरिएंट है, सेकंड बेस है या बेस है तो आपको बिल्कुल ब्लैक ब्लैक कर दिया ना, डुअल टोन यहाँ पर मिल जाता है। सॉफ्ट टच कहीं पर नहीं है, लेकिन बात करें अंदर के कंट्रोल्स की तो ये मिल रहा है चारों की चारों पावर विंडो, ड्राइवर साइड ऑटो अप ऑटो डाउन दोनों मिल रहे हैं। उसके साथ ही हो गया सेंट्रली लॉक करने के लिए, यहाँ पर हो गया मिरर को एडजस्ट करने के लिए, और ये लेफ्ट राइट सिलेक्शन के लिए। बाकी जैसा बताया एडजस्ट हो जाएंगे इलेक्ट्रिकली, लेकिन फोल्ड आप हाथ से करोगे। नीचे की बात करें बॉटल होल्डर हो गया, बाकी मैप पॉकेट वगैरह। स्पीकर देखते हैं, 1, 2, 3, 4 चार स्पीकर मिल रहे हैं, और म्यूजिक प्लेयर भी आपको मिल रहा है इसमें टच स्क्रीन वाला, सेकंड वैसा, दोबारा बता रहा हूँ धोखा मत खाना। इंटीरियर का प्रीमियमनेस और साथ में म्यूजिक प्लेयर देख के आ जाते हैं सीट पे। सीट मिल रही है आपको हाइट एडजस्टेबल, उससे पहले एक बार यहाँ नाप लेते हैं हम। ओहो क्या बात है, अंडर थाई सपोर्ट बढ़िया मिल रहा है, उसके साथ बोल्स्टर्स अच्छे हैं। कभी भी सीट के कम्फर्ट में होंडा की तरफ से शिकायत नहीं मिली किसी से भी। चलो इसमें बैठते हैं और ये है कुछ इंटीरियर का माहौल। एक बार जरा डोर बंद कर लेते हैं, एक बार टुंग 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 अपनी, हाँ ये हो गए बंद। अब देखो चाबी को रख लेते हैं अपने यहाँ, और इंटीरियर का माहौल देखो ये कितना डिसेंट फील हो रहा है ना, ये बात है होंडा की यार। देखो पहले टिकटॉक कर लेते हैं यहाँ से बंद, और जरा बटन दबाते हैं, पुश स्टार्ट बटन वाला सीन मिल रहा है यार यहाँ पर, क्या बात है। ये दवा एक बार लाल लाल हो गया, पावर आ चुकी है, यहाँ पर आपको एलिवेट दिख चुकी है। दोबारा दबाया और अपने सामने लाइट वाइट जल गई है, अच्छा ऑन ही है। ये देखो ये आपको जाना पहचाना सा मिल रहा है, जैसा अमेज में भी आप देखते हो, पूरा का पूरा एनालॉग है। बीच में छोटी सी आपको MID मिल रही है, एक बार इसकी आवाज़ कम करते हैं, हाँ बीच में MID मिल रही है। ये हो गया अपना टैक हो, यहाँ हो गया अपना स्पीडो, और यहाँ पर बीच में इन्फॉर्मेशन तमाम मिल जाएगी। ऊपर हो गई घड़ी, पूरा क्लॉक हो गया, नीचे आ जाते हैं यहाँ पर हो गया ओडो, यहाँ पर हो गया अपना इंस्टेंट माइलेज, उसके साथ ये हो गया अपना टेम्परेचर, यहाँ पर फ्यूल का लेवल आपको दिखाता रहेगा। बाकी अगर चेंज करनी है इन्फॉर्मेशन, अदर इन्फॉर्मेशन देखनी है तो उसको भी आप देख सकते हो, कहाँ से, यहाँ से, ये देखो ये बटन दे रखा है, यहाँ से आप देख सकते हो। देखो ट्रिप की डिटेल, रेंज, एवरेज और सारी चीज़ें यहाँ पर आ गई, ठीक है। बाकी अदर इन्फॉर्मेशन ऊपर चेंज करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हो, ये प्लस माइनस का। ये देखो ब्राइटनेस कम ज़्यादा होती रहेगी क्लस्टर की, तो ये आपको दे रखा है यहाँ पर माहौल। बाकी उसके अलावा बात करें स्टेयरिंग व्हील की, तो स्टेयरिंग व्हील आपको मिल जाता है होंडा लिखा हुआ, एयरबैग 1, 2 एयरबैग आपको मिल रहे हैं, और उसके साथ साथ कंट्रोल मिल जाते हैं यहाँ पर। म्यूजिक प्लेयर का भी, म्यूजिक प्लेयर पर आ रहा हूँ, एक बार एडजस्टमेंट देख लेते हैं कहाँ गया, ठीक है, ऊपर नीचे और अरे वाह, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों के दोनों एडजस्टमेंट आपको मिल रहे हैं। बाकी अच्छी चीज़ है यार, पुश स्टार्ट बटन है, प्रीमियम गाड़ी है, प्रीमियम फीचर होना चाहिए। उसके अलावा आ जाते हैं यहाँ पर, तो ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ करने के लिए आपको बटन दिया हुआ ये रहा, और उसके साथ हेडलैम्प के लेवल को ऊपर नीचे, और सिर्फ ट्रैक्शन कंट्रोल है, ट्रैक्शन कंट्रोल के साथ ABS, EBD, ESP, साथ में हिल होल्ड कंट्रोल, सब कुछ आपको इसमें मिल जाता है। हेडलैम्प आपको मैनुअल मिल रहा है, साथ में वाइपर भी आपको मैनुअल मिल रहा है, लेकिन LED है, देखो सामने चमक मार रहा है, ये देखो क्या बात है। ओहो
मस्त आते हैं यहाँ पर, तो ये आपको फ्लोटिंग टाइप में मिल जा रही है इस तरह से, 8 इंच की स्क्रीन, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वायरलेस चलता है इसमें, जो कि अच्छी चीज़ है। साथ में 4 स्पीकर है, डिसेंट सा आपको आउटपुट मिल जाता है, और ये इस पर फिल्म लग रही है, ये देखो है ना बढ़िया सा। चलो इसको करते हैं एक तरफ और आ जाते हैं नीचे, लेकिन नीचे से पहले एक बार आपको रिवर्स का भी दिखा दूं खेल। ये है कुछ क्वालिटी, और अच्छी चीज़ मेरे को लगती है कि भाई इसमें आप एंगल भी चेंज कर सकते हो, ये देखो बिल्कुल नीचे का आपको सीधा ऐसे नीचे दिख रहा है, ये अच्छी चीज़ है ना। बाकी वाइड एंगल में ये पूरा का पूरा कवर कर रहा है, ठीक। उसके नीचे आते हैं तो देखो कितना प्यारा सा डिज़ाइन दे रखा है, और इसमें आपको मिल रहा है ऑटोमेटिक एसी, बिल्कुल ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल रहा है सेकंड मॉडल में ही, अच्छी चीज़ है। उससे नीचे आता है 12 वोल्ट का सॉकेट है, यहाँ पर फ़ोन रखने की जगह है, और साथ में यहाँ पर भी USB आपको मिल जाती है, चाहे आप इसमें ड्राइव लगा लो, चाहे यहाँ पर ही साथ में आप चार्ज कर लो, ठीक। और ये हो गया कप होल्डर यहाँ पर हमारे, और 6 स्पीड का गियर बॉक्स है लो RPM रखने के लिए, माइलेज ज़्यादा निकालने के लिए आपको गियर ज़्यादा चाहिए होता है भाई, ये चीज़ आपको मिल रही है इसमें, ठीक है। और बाकी आर्म रेस्ट भी मिल जाता है जो कि बढ़िया है, और अंदर हाँ भाई इस तरह से स्पेस मिल रहा है, एक बार देखते हैं यहाँ का स्पेस, तो इस तरह से आपको मिल जाता है ग्लो बॉक्स के अंदर माहौल। IRVM अपना मैनुअली एडजस्टेबल मिल रहा है, साथ में यहाँ कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको मिरर है, और ये हो गए लैंप दोनों के दोनों, ठीक। तो ये है कुछ पूरा का पूरा हिसाब किताब अपना, बढ़िया सा सोबर लगती है, डिसेंट लगती है, वी मॉडल है, सेकंड मॉडल है, और इसको कर लेते हैं एक बार बंद। चलो बाहर निकलते हैं अपने, और आपको दिखाते हैं अब पीछे का सीट, काफ़ी ज़्यादा पीछे हो रखी है, फिर भी इन गाड़ियों में भाई मिड साइज SUV में कभी भी लेग रूम की कोई भी कंप्लेंट नहीं होती। रीज़न है भाई 2650 mm का व्हील बेस है, इतना बड़ा वो कहाँ दिखेगा, वो आपको दिखेगा यहाँ पर अंदर लेग रूम में, क्या बात है। और जो होंडा हमेशा फॉलो करती है वो है यहाँ पर पैरों का स्टांस, मतलब जब आप जूते रखोगे आपके पैर इस तरह से रहेंगे, जो कि बहुत कंफर्टेबल रहता है। देखो इसमें भी ये कुछ इस तरह से, फ्लोर बिल्कुल फ्लैट नहीं है, जो कि बढ़िया चीज़ है। सीट पे आते हैं तो अंडर थाई सपोर्ट अपना बहुत बढ़िया, और पूरा का पूरा अंदर चौड़ा है, मतलब 3 बंदे आराम से बैठ जाते हैं, कोई शिकायत वाली बात नहीं है। हेडरेस्ट आपको मिल जाते हैं इस तरह से, बेस मॉडल है दोबारा बता रहा हूँ, एडजस्टेबल 2 हेडरेस्ट मिल रहा है, और साथ में 60-40 भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। 2 बंदे बिठाने हैं और फोल्ड करके सामान बढ़ाना है, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्यों अभी मैं दिखाता हूँ, बूट स्पेस बहुत ज़बरदस्त है। बाकी पीछे आपको इस तरह से मिल जाते हैं क्या अपने AC वेंट्स, भाई कंफर्ट भी तो चाहिए पीछे, गर्मी में थोड़ी मानना है। और नीचे मिल जाता है आपको इस तरह से क्या अपना पावर सॉकेट, बढ़िया। तो ये है पीछे पूरा का पूरा सामान बढ़िया तरीके से। अब आ जाते हैं कहाँ, सबसे पीछे जो मैं तारीफ कर रहा हूँ इसकी, वो यूँ ही नहीं कर रहा भाई, ये देखो इसको खोला, और ये 458 लीटर का क्लास लीडिंग सेगमेंट लीडिंग बूट स्पेस इसमें आपको मिल जाता है। तभी तो मैं कह रहा था भले इसमें 60-40 दे रखा है स्प्लिट सीट, लेकिन आपको ज़रूरत पड़नी ही नहीं, इसी में ही सब कुछ सामान, सारा सामान इसमें हद से ज़्यादा आपका इसमें आ जाएगा। बाकी पार्सल ट्रे आपको मिल जाती है, और साथ ये हुक यहाँ पर हुआ, और साथ में एक हुक यहाँ पर हुआ। और एक बार नीचे देखते हैं हम, तो नीचे क्या बात, बड़ा सही तरीके से सिस्टम बना के दे रखा है। ये मिल जाता है आपको इस तरह से अपना स्पेयर व्हील, बढ़िया। अब करते हैं क्या इसको बंद, अब बात आ जाती है किसकी, इसकी भाई, यही तो है जो होंडा पे लेने पर मजबूर करता है। एक तो वैल्यू फॉर मनी चीज़ है, और दूसरी चीज़ जो परफॉर्मेंस है ना चलाने में, वो डेड पैडल भी दे रखा है इसमें, ठीक। ये देखो इस तरह से DRL का लुक आता है अपना, आ रहा बढ़िया सा। चलो इसको खोलते हैं अपने, कहाँ गया दद्दा, हाँ ये भाई बतेरा हैवी बोनट है। इसके नीचे दिख रहा है यहाँ पर होंडा की जान क्या है, 1.5 लीटर का मतलब 1500 cc का 4 सिलेंडर इंजन IVTEC के साथ, बहुत जेन्युइनली रेव होता है और तेज़ चलाने में मज़ा आता है। मतलब आप इसको RPM ऊपर उठा दो, 4000, 5000, 6000 RPM पे ले जाओ, कभी भी इंजन ऐसा नहीं लगता कि ओवर स्ट्रेस हो रहा है, यही खासियत है इसकी। और बात करें ABS EBD यूनिट यहाँ पर दे रखी है आपको, और साथ में ट्रैक्शन कंट्रोल भी मिल रहा है, साथ में ESP मिल रहा है। हाँ पावर की बात हो रही थी, तो पावर इसमें मिल जाती है आपको लगभग 119 BHP की, वहीं टॉर्क की बात करें लगभग 145 Nm का आपको इसमें मिल जाता है ना बढ़िया। और बाकी नीचे अच्छा पूरा कवर कर रखा है भाई, आर पार कुछ नहीं है। चलो इसको रखते हैं एक बार यहाँ, अब बात आ जाती है किसकी भाई, माइलेज की। बहुत से लोग हैं अलग अलग चीज़ें कहते हैं, लेकिन जो मैंने खुद से वो करी है, रियलाइज़ करी है भाई, कंपनी इसमें हमेशा होंडा के प्रोडक्ट में माइलेज कम ही बताती है। इसका माइलेज कंपनी ने बता रखा है 15 का, लेकिन जब मैं खुद जो मीडिया ड्राइव थी उसमें गया था, मैंने खुद 17 का निकाला था, और बहुत से लोग हैं चाहे सिटी हो चाहे एलिवेट हो, 17, 16.5, 17, 18 तक निकालते हैं।
अब पता नहीं भाई कंपनी को कम कहती है, लेकिन जेन्युइनली अच्छे तरीके से चलाने पर आप इसमें 17 के अराउंड माइलेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और उसके ऊपर आ जाती है फिर सेफ्टी। तो भाई जब होंडा की बात है, चाहे हम बात कर लें यहाँ पर अमेज की या फिर सिटी की, 4 स्टार 5 स्टार से नीचे बातचीत नहीं होती। इसको अभी सेम तरह से लेकर चला जा रहा है कि हाँ जब भी इसका क्रैश टेस्ट होगा तो ये किसी की भी उम्मीदों को तोड़ेगी नहीं। तो इस तरह से था अपने पास सबसे वैल्यू फॉर मनी होंडा एलिवेट का वी वेरियंट। कीमत की बात करें 12,11,000 रुपये एक शोरूम, और वहीं ऑन रोड। एक बार इसकी लाइटें जला, लाइटें जला के जो करने में मज़ा आता है ना, एंड लास्ट लुक वही तो देता है। हाँ ये जला और ये जला, हाँ अब आया ना मज़ा सा, अब करते हैं एंडिंग। हाँ भाई, तो गाड़ी आपको कैसे लगी, वीडियो आपको कैसा लगा बताना जरूर। आपको वीडियो अच्छा लगा, गाड़ी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कर लेना संस्कार इसमें चैनल को। जय हिंद।